हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में पढ़ेंगे टॉर्क ऑन करंट फ्लो और यू कैन से इलेक्ट्रिक मोटर। हम कौन सी मोटर पढ़ेंगे? हम उसमें इलेक्ट्रिक में हम पढ़ेंगे डीसी मोटर। बेसिकली ये आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है पूरा 10th क्लास में, लेकिन आपने 10th क्लास में पढ़ी है आपने सिर्फ थ्योरी। अब इसी थ्योरी का मैथमेटिकल पोर्शन की फिजिक्स वाला पोर्शन की कितना फोर्स लग रही है या फिर कितनी डिग्री एंगल पर रोटेट करेगी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर और करंट करिंग लूप में होता क्या है। तो आपको याद होगा कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, एक डीसी मोटर होती है। डीसी मोटर में हमारी इस तरीके से एक ये मैग्नेट होंगी, एक नॉर्थ पोल और एक आपकी साउथ पोल। ये आपकी मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो मैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट है, जिनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो किस डायरेक्शन में होगी? वो होगी हमारी इस डायरेक्शन में, हमारी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट डी। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमारी ये है। तो अब हो क्या, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। इसकी अगर हम वो बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कंस्ट्रक्शन के यहाँ पे, क्योंकि आप पहले ही आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक आपका रेक्टेंगुलर कॉइल होता है इस तरीके से, यहाँ पे आपकी स्प्लिट रिंग्स होती हैं, स्प्लिट रिंग्स। उसके बाद आपके यहाँ पे कार्बन ब्रशेस होते हैं, ये कार्बन ब्रशेस। और उसके बाद यहाँ पे आगे क्या होता है, एक पावर सप्लाई होती है। अब इस पावर सप्लाई की वजह से करंट क्या होगा, करंट जाएगा आपका इस डायरेक्शन में यहाँ से ऊपर की तरफ, और यहाँ से क्या आएगा, करंट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है हमारी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपको 10th क्लास की आपकी थ्योरी याद हो, तो हमें क्या पता चलता था उसमें कि ये इलेक्ट्रिक मोटर जो होगी ये रोटेट करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में और हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो क्या होना है, इसमें रोटेशन होनी है। अब ये रोटेशन किस ग्राफ पर होती है? रोटेशन आपकी इस ग्राफ पर होती है कि रोटेशन को फॉलो करना है कौन से रूल को, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि आपका, हमें क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड को लेना है, जिसमें कि आपकी मिडिल फिंगर करंट को शो करेगी, फोर्थ फिंगर आपकी फील्ड को शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपका थंब होगा वो किसको शो करेगा, हमारा थंब शो करेगा हमारा एफ आई ई एल डी, थंब शो करेगा आपका मोशन को, एम ओ टी आई ओ एन, थंब होगा आपका मोशन के लिए, फोर्थ फिंगर होगी आपकी फील्ड के लिए, और ये मिडिल फिंगर होगी आपकी करंट के लिए। ठीक है, ठीक। तो अब हमें पता क्या, अब हमें पता ये कि अगर ये सर्किट अभी ऑन है तो करंट इधर, फील्ड इधर, तो इस पर फोर्स कितनी लगनी है, मोशन कितनी लगनी होनी है इस लेफ्ट वाले कॉइल की, हो जाएगी नीचे की तरफ। उसके लिए हम इसे इजी करने के लिए नाम दे देते हैं, उसको नाम दिया मैंने क्यू आर एस टी। तो अगर आप इसका अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, तो फील्ड सॉरी करंट, फील्ड और ये मोशन नीचे की तरफ, तो ये वाला पी क्यू वायर, पी क्यू डाउनवर्ड मूव करेगा, और आर एस जो होगा वो आपका क्या होगा, अपवर्ड करेगा। तो अगर पी क्यू नीचे जाएगा, पी क्यू नीचे जाता है, आर एस आपका ऊपर आता है, मीनिंग क्या, ये कैसे रोटेट करेगी, ये रोटेट करेगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक एक्सेल दिखाऊं इस तरीके से, तो यहाँ पर रोटेशन हुई कुछ इस तरीके से ओमेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो हमारा बेसिकली क्या था कि आप क्या कर सकते हो, इसको समझ सकते हो किस तरीके से अपने 10th क्लास की नॉलेज के हिसाब से।
कुछ नहीं है, अभी हमने सिर्फ 10th क्लास की बात करी है। अब हम देखेंगे कि जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा उस नॉलेज को हाँ यहाँ पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हमने पढ़ा कि भाई कोई भी एक वायर है उस पर फोर्स ऑन वायर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वायर कौन सी है, करंट कैरिंग वायर, उस पर फोर्स कितनी लगती है, उस पर फोर्स लगती है आई एल बी साइन थीटा की फोर्स लगती है। और उसके डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से। तो यहाँ पर हमने अभी डायरेक्शन निकाली कि फोर्स नीचे लग रही है, ठीक है। तो कोई भी वायर जिसपे जो मैग्नेटिक फील्ड में और उसमें करंट फ्लो हो रहा है उस पर कितनी फोर्स लगती है, आई एल बी साइन थीटा की फोर्स लगती है। आप जरा देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये जो कॉइल दिख रही है पी क्यू आर एस की कॉइल आपको दिख रही है, पी क्यू आर एस, इसमें चार पार्ट दे रखे हैं, एक पार्ट है आपका पी क्यू, एक पार्ट है आपका क्यू आर, एक पार्ट है आपका आर एस और एक पार्ट है आपका पी एस। पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस, ये चार पार्ट है वायर के। इन चारों पार्ट पे अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो भाई क्या बोलोगे आप कि पी क्यू पर फोर्स नीचे लगती है और आर एस पर फोर्स ऊपर लगती है, क्यू आर पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फील्ड पैरेलल है। यहाँ भी क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो यहाँ पर तो कोई फोर्स लगनी ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्या लेके चल रहा हूँ स्टार्टिंग में कि ये जो आपका कॉइल है ये पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड वाले प्लेन में है, ठीक है, ठीक है जी। तो हम बोलेंगे क्या क्यू आर पर जीरो फोर्स, फोर्स क्यू आर पर जीरो फोर्स, जीरो फोर्स क्यों, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम प्लेन में। पी एस पर जीरो फोर्स क्यों, क्योंकि देखो पी एस इस लाइन में और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के पैरेलल है, तो फोर्स कितनी होगी पी एस पर, जीरो होगी। अब जो समझने वाली बात आती है यहाँ पे कि क्यू पी पर कितनी फोर्स लगेगी, क्यू पी पर कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। तो इसको इजी करने के लिए हम क्या कर देते हैं, हम इसको नाम दे देते हैं कि हाँ भी ये जो लेंथ है आपकी, ये आपकी ए है और ये वाली लेंथ जो है आपकी ये क्या आपकी बी, ठीक है। तो पी क्यू पर कितनी फोर्स लगेगी, पी क्यू पर फोर्स लगेगी, आप इस फॉर्मेशन निकाल लो कि पी क्यू एक वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन पी क्यू, तब क्या करोगे, पी क्यू में करंट आई, एल पी क्यू की लेंथ बी है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है भाई कैपिटल बी, और एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि देखो वायर ये जा रही और मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, वायर तो ऊपर जा रही है, ये 3D फिगर याद रखना, वायर ऊपर जा रही है इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट है, तो क्या होगा एंगल कितना बनना है मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा आएगा, साइन 90 डिग्री और एक ही तो जाएगा सिर्फ आई बी बी, तो पी के ऊपर कितनी फोर्स लगी आपकी आई स्मॉल बी कैपिटल, ठीक है। सिमिलरली आर एस, अगर आपसे कोई बोले कि फोर्स ऑन आर एस, तो आप क्या बोलोगे आई आर एस की लेंथ कितनी है स्मॉल बी, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है कैपिटल बी और साइन 90 डिग्री, तो क्या निकल के आएगा आई बी बी, आई बी बी, तो ये क्या हमारी है, ये आपकी फोर्स बता रही है, फोर्स ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ वायर, ठीक है। इससे आपको पता लगे फोर्स कितनी लगनी है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब आप ये तो हुआ इंडिविजुअल पार्ट पर कितनी फोर्स लग रही है, अब आपसे कोई पूछे, क्या पूछे कोई कि बताओ नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो देखो इसको हम दो चार पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अपन नेट फोर्स बतानी है, नेट फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो नेट फोर्स हम देखते हैं डायरेक्शन क्या है,
तो देखो सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू की फोर्स, पी क्यू नाइट फोर्स वन, पी क्यू पर कितनी फोर्स लगी, इसको से लिखता हूँ फोर्स ऑन पी क्यू। पी क्यू पर फोर्स लगी हमारी आई वी बी, आई वी बी, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसकी, नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड। फोर्स ऑन आर एस, अगेन आई वी बी, लेकिन ये क्या आपकी वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, तो ये आपके नीचे की तरफ है, ये आपके ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स इन दोनों ने क्या करा, जीरो कर दिया। जीरो क्यों करा अभी, तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन ओके जाती है हमारी जीरो हो जाती है, क्योंकि एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स कितनी होगी, जीरो होगी। और क्यू आर और पी एस पर, क्यू आर और पी एस पर कोई फोर्स लगी नहीं रही, तो हम बोलते हैं कि नेट फोर्स ऑन मोटर इज इक्वल टू जीरो, कि मोटर पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण नेट फोर्स कितनी है, जीरो है। अब देखो जब नेट फोर्स जीरो होती है, नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ट्रांसलेशन मोशन नहीं करता, कौन सा मोशन करता है वो, रोटेशनल मोशन करता है, और हमें दिख भी रहा है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन नहीं कर रही है, ये कैसे करेंगे, रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, ठीक है जी, ठीक। तो हमें क्या पता है अभी, कि हमें पता चला कि इन वायर्स के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है, जीरो लग रही है, तो नो ट्रांसलेशनल मोशन, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी, ठीक है, कोई भी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी, ओनली मोशन विल बी रोटेशनल, सिर्फ जो मोशन होगी वो कौन सी होगी, आपकी रोटेशनल वाली होगी, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन रोटेशनल वाली मोशन जो यहाँ पे होनी है, उसको थोड़ा समझने के लिए हमको एक चीज और की जरूरत पड़ती है, वो होता है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक, इस पार्ट को समझेंगे कि मैग्नेटिक मूवमेंट आखिर होता क्या है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को समझने के लिए आप सिंपल से ये याद रखो कि अगर एक वायर है, उसने एक लूप बनाया, सपोज करो ये एक वायर था, इसमें करंट फ्लो रहा है आई, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे छोटी सी बैटरी है जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो रहा है, आई करंट फ्लो रहा है। अब सेम मैं करता हूं, सेम इसकी लेंथ एल है, इसकी ए मान लो, इसकी बी मान लो, अगेन इसकी ए, इसकी बी, लेकिन यहाँ पे करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करा रहे हैं, करंट का अमाउंट सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इतनी बात क्लियर है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा आई क्रॉस ए, सॉरी आप आई क्रॉस ए ना लो, नहीं ये गलत लिख दिया मैंने, माय मिस्टेक। तो ये क्या हो जाएगा, आप इसका फॉर्मूला होता है आपका आई ए, आई और ए, आई ए क्या है, आई ए आपका करंट मल्टीप्लाई में एरिया ऑफ लूप, ठीक है, करंट और एरिया ऑफ लूप, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला ये है। लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और हमें पता है करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो वेक्टर होगा वो किसकी वजह से आएगा, एरिया की वजह से आएगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्चुअली सिंबल होता है आपका कैपिटल एम, लेकिन आपकी बुक्स में क्या दिखाते हैं, आप स्मॉल एम से दिखाते हैं, दोनों होते हैं, दोनों अलग अलग चीज होते हैं, कोई नहीं, हम यहाँ पे दिखाएंगे स्मॉल एम से दिखाएंगे, स्मॉल एम मैग्नेटिक मूवमेंट,
आई मल्टीप्लाई में एरिया, लेकिन एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं रखेंगे, एरिया को रखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो चलो आप आई का मल्टीप्लाई एरिया से कर दोगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी हमारी परपेंडिकुलर टू प्लेन। फिर बताना चाह रहा हूँ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका ये होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप करंट का मल्टीप्लाई करोगे एरिया से, और डायरेक्शन क्या होगी प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। क्लियर जी, आप राइट हैंड थंब रूल को यूज करके इसको डायरेक्शन निकाल सकते हो। इसकी आप यहां पे देखो, इस वाले केस में यहां पे करंट कितना है, अगर मैं पहले केस में निकालू एम, तो करंट कितना है आपका आई, एरिया कितना है, एरिया है ए बी, तो आई ए बी, ये क्या आपका एरिया है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई में, ये क्या था आपका एरिया था, करंट हुआ डायरेक्ट एरिया हुआ। अब बात हुई डायरेक्शन की, तो एरिया क्या है, इस तरीके से ये आपका एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा, यहाँ पे हमें ये देखना है कि इस एरिया की डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये आपका एक प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर दो हो सकते हैं, या तो वो वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड, आपको दिखाना है वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम कौन सा चूज करेंगे, हम चूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, अभी आप करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, करंट यहां से ऊपर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, तो इसी डायरेक्शन में हमने फिंगर्स को कर्ल करनी है। तो आपका थंब किधर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, यहां पे क्या होगा अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड आउटसाइड द प्लेन, और यहां पे क्या हो जाएगा एम, यहां पे हो जाएगा हमारा आई ए बी, ए बी क्या एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और यहां पर डायरेक्शन क्या होगी इसकी डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड कैसे, डाउनवर्ड इस तरीके से कि अब करंट इस तरह से जा रहा है ना क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है, तो थंब किधर आ, नीचे आ रहा है, तो नीचे की तरफ, और ये क्या है वर्टिकल डाउनवर्ड का मीनिंग क्या है, इनसाइड द प्लेन, ठीक है। इसको आप 3D में समझ सकते हो किस तरीके से, अगर मैं इसको 3D में दिखाऊं, इस वाली फिगर को देखते हैं पहले, ये ठीक है, करंट इस तरह से जा रहा है, मैं इस वाली फिगर को 3D में दिखा रहा हूं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर जो होगा वो इधर होगा इधर होगा, देखो ये इधर की तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर होगा आपका इस डायरेक्शन में। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा इसका राइट साइड में, क्योंकि करंट डायरेक्शन इस तरीके से, और इसका हम एनालॉजी लें, इसको हम इस तरह से 3D में अगर दिखाएं, तो करंट जा रहा है इसमें इस तरीके से, देखो, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी आपकी, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्लियर आपको बात है। इसको मैंने वर्टिकल में करके, इसको पहले ये था प्लेन में, अब हमने इसको कर दिया वर्टिकल प्लेन में कर दिया, तो हम वर्टिकल प्लेन में दिखा रहे हैं 3D में, ठीक है। अब क्या होगा, हमने मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ लिया, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन पढ़ ली, मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड पढ़ लिया, जो कि होता है आई मल्टीप्लाई में एरिया, आई मल्टीप्लाई में एरिया। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर में कौन सा पार्ट, टॉर्क वाला, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर में जो नेट फोर्स क्या होती है, जीरो होती है, नेट फोर्स क्या होती है आपकी, जीरो होती है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है लेकिन टॉर्क तो फिर भी लगती है ना, तो वो टॉर्क कितनी लग रही है उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो आप इस फिगर में, ये वाला फिगर, स्टैटिक वाले फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, तो स्टैटिक वाले फिगर में क्या था कि नेट फोर्स जीरो है, और केस हम पहले लेंगे फर्स्ट इन थोड़ा इजी केस, केस वन जो चल रहा है इस, ये पूरा केस वन पे ही है, कब, जब प्लेन ऑफ कॉइल, कॉइल का प्लेन, ये जो कॉइल दिख रही है ना इसका प्लेन पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के,
यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो कि ये मेरी एक कॉइल है, ठीक है, ये मेरी एक कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मार्कर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी नीचे लेके आए, ये हमारी कॉइल और ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। तो हम फर्स्ट केस इसकी बात करें, देख रहे हैं यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल पैरेलल है, तो ये फर्स्ट केस तो ये हुआ। सेकंड केस क्या होगा जो हम करेंगे बाद में, सेकंड केस होगा ये कि मैग्नेटिक फील्ड तो लेफ्ट टू राइट ही रहेगी लेकिन कॉइल अब थोड़ी सी इस तरह से हो जाएगी, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब वो पैरेलल ना होकर थोड़ी सी अब वो एंगल बना लेगी, तो केस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। लेकिन पहले हम इजी वाला केस की बात करेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इस प्लेन के पैरेलल हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लेन पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो पहली बात टॉर्क, टॉर्क क्या होती है, टॉर्क होती है हमारी क्या, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा फॉर टॉर्क का फॉर्मूला होता है। और ये जो रेडियस होता है, ये कौन सा रेडियस होता है, ये होता है हमारा सपोज करो ये एक एक वायर है, एक स्ट्रक्चर है, इसमें ऊपर लगी इधर एफ फोर्स और नीचे की तरफ लगी एफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क कितनी होती है, यहाँ पर टॉर्क आती है हमारी और ये है हमारा ए, तो टॉर्क क्या है कि ए रेडियस मतलब दो अपोजिट फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो ए, ये आपका रेडियस है, मल्टीप्लाई में फोर्स, ठीक है। और साइन थीटा, साइन थीटा क्यों भी, साइन थीटा इसलिए कि जो एंगल बन रहा है रेडियस और फोर्स के बीच का एंगल, ये कितना है, ये उसके लिए आता है ये वाला एंगल, यहाँ पे क्या हो जाएगी ए एफ हो जाएगी। तो हम अपने अपने स्ट्रक्चर में देखते हैं क्या आता है, हमारे अपने स्ट्रक्चर में हम देखते हैं जो, तो हमें पता चलता है कि भाई ये हमारी एक कॉइल थी जहाँ पे राइट वाली कॉइल में फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और लेफ्ट वाली कॉइल में फोर्स लग रही नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखा कि राइट में ऊपर लग रही है, लेफ्ट में नीचे लग रही है, तो एफ की जगह तो एफ आ गया। अब ये आर, आर क्या होता है, दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ पे इन दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हमने पहले नाम दे रखा क्या है, ये स्मॉल ए है, तो ए की जगह क्या आएगा, स्मॉल ए आएगा। यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, अभी साइन थीटा क्या होता है, फोर्स और रेडियस के बीच का एंगल, तो रेडियस क्या है, ए, फोर्स लग रही है ऊपर, जैसे देखो रेडियस ये ए है, फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन 90 डिग्री। तो ये क्या सॉल्व क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई में एफ, एफ क्या था, एफ अभी हमने सॉल्व करा, एफ क्या है, आई वी बी, आई वी बी साइन 90 डिग्री, और ये क्या जाएगा आई ए बी 1, क्योंकि साइन 90 क्या होता है 1 होता है। और ए बी क्या है, ए बी देखो यहाँ पे ए लेंथ बी ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा आई मल्टीप्लाई में एरिया बी साइन थीटा, ठीक है। और आई मल्टीप्लाई में ए क्या होता है, आई ए अभी मैंने पढ़ा था, वो होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल में, एम बी साइन एम बी 1, क्योंकि साइन थीटा तो हट गया ना, पहले 1 हो गया एम बी, तो ये क्या हमारा टॉर्क, टॉर्क कब, जब हमारा क्या हो प्लेन पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये किसका फॉर्मूला है हमारा, टॉर्क क्या है फॉर्मूला है, बस ये चीज आपको समझनी है यहाँ पे। तो ये तो आपका टॉर्क, कब टॉर्क, जब प्लेन पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के। अब दोबारा से हम टॉर्क की बात करेंगे कब, जब प्लेन कुछ एंगल पर है, जैसे कि अगला फिगर देखते हैं, थोड़ा अब इजी फिगर बनाएंगे, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, और इसमें कॉइल कुछ इस तरीके से, अभी अब पैरेलल नहीं है, मैंने आपको बताया ना अब कॉइल हमारी पैरेलल नहीं है,
यहाँ से करंट ऊपर गया, यहाँ से करंट नीचे गया, करंट ऊपर करंट नीचे। अब यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर को, जब आप देखते हो जब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, मैग्नेट को हम थोड़ी सी और बड़ी बना देते हैं, नॉर्थ साउथ। चलो फिगर को थोड़ा साफ से फिगर को, आपको समझ में थोड़ा इजी रहेगा। ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपकी कॉइल है। लेकिन अब जो कॉइल है वो कुछ एंगल पे है, ठीक है, अब कॉइल कुछ एंगल पे और करंट जा रहा है इस तरीके से। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी इसी डायरेक्शन में ही है, क्लियर हुई आपको बात। लेकिन यहाँ पे तो देखने वाली बात है, वो तो बात सारी की सारी ये है कि मैग्नेटिक, अब यहाँ पे क्या देखना है, अभी यहाँ पे आपको देखना है, हम यहाँ पे बहुत इजी में बात करेंगे। नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होनी है, हम बात करेंगे टॉर्क की। टॉर्क कितनी होगी, तो टॉर्क का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, टॉर्क क्या होगा आपका, आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ। दोबारा इसको नाम देते हैं, क्या दिया था, पी क्यू आर एस, आर क्रॉस एफ। तो देखो यहाँ पे आप, आपको क्या देखना है, आप मुझे ये बताओ पी क्यू पर कितनी फोर्स लगेगी, पी क्यू पर, पी क्यू इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो पी क्यू पर कितनी फोर्स लगेगी, पी क्यू पर फोर्स लगेगी आपकी आई बी बी साइन 90 डिग्री, फोर्स ऑन पी क्यू, और ये हो जाएगा आपका आई बी बी, क्योंकि ये आपका क्या था, बी था, और ये आपका क्या है आपका, इतने यहां से यहां तक ए, ये आपका बी है और ये आपका ए, ठीक है। अगेन आर एस पर कितनी फोर्स लगेगी, आर एस पर, आर एस पर फोर्स लगेगी आपकी आई बी बी साइन 90, ओके जाएगी आई बी, क्लियर बहुत बात आपको, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे क्यू आर पर कितनी फोर्स लगेगी, क्यू आर पर आप कितनी की अमाउंट छोड़ दो, आप बात करो कि क्यू आर पर कितनी फोर्स लगेगी, क्योंकि जितनी फोर्स क्यू आर पर लगेगी उतनी फोर्स आपकी ए एस पे लगनी है, ठीक है। तो क्यू आर पर कितनी फोर्स लगेगी, क्यू आर क्या है, फोर्स ऑन क्यू आर, क्यू आर हम क्या बोलेंगे, आई एल क्या है इसका, एल ए के बराबर, आई ए बी साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो, लेकिन थीटा क्या होगा, अभी थीटा होगा हमारा ये वाला एंगल, ये आपका एल है, इसकी क्यू आर है, और ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो फोर्स, इसकी डायरेक्शन किधर होनी है, इस फोर्स का डायरेक्शन होगी आपकी किधर होगी, ये आपको कैसे निकालोगे, ये आप निकाल सकते हैं आप लेंज लॉ से, सॉरी लेंज लॉ में गलती बोल गया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग्स सॉरी लेफ्ट हैंड रूल से, लेफ्ट हैंड रूल से कैसे भी, इसका जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो तो आप इग्नोर कर दो, मतलब जैसे वर्टिकल कंपोनेंट, तो करंट फील्ड मोशन, करंट इधर फील्ड इधर, करंट इधर जा रहा है फील्ड इधर, मोशन इधर नीचे जा रही है, तो इस पर जो फोर्स लगनी है नीचे की तरफ लगनी है, और इस पर जो फोर्स लगनी है वो किधर लगेगी आपकी, करंट फील्ड मोशन ऊपर की तरफ, तो पी एस पर कितनी फोर्स लगेगी आपकी, आई ए बी साइन थीटा, ये किधर लगेगी, और ये दोनों आपको इसमें क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, हमारी कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो अब जो बचती है हमारी ये वाली फोर्स, इनकी वजह से क्या होगा, इन फोर्सेस की वजह से होगा यहाँ पे रोटेशनल मोशन, जो कि पहले भी हुआ था। अब जरा आप यहाँ पे देखो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, तो रोटेशनल मोशन इस तरीके से होना है, इस तरीके से तो आर क्या होता है, ये वाली कॉइल और ये वाली कॉइल के बीच का डिस्टेंस, जो कि कितना है हमारा, ये
ए ए एफ क्या है पी क्यू या फिर आर एस पर जितनी फोर्स लग रही है वो कितनी है आई बी बी और फिर साइन थीटा। साइन थीटा कौन सा एंगल है? साइन थीटा एंगल है हमारा ए और एफ के बीच का एंगल, जो रेडियस वेक्टर है और जो एफ है उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो यहां पे अभी हम साइन थीटा को एज इट इज लेके चलते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि वो तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मैं उस साइन थीटा को ऐसे लेके चलता हूं। तो अब देखो यहां पे जो ए है और ये जो बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या मिल जाएगा मुझे? एरिया मिल जाएगा आई ए बी साइन थीटा, और आई और एरिया क्या होता है हमारा? मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एम बी साइन थीटा। यहां पे मुझे क्या मिला? यहां पे मुझे मिला ये फॉर्मूला, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। तो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सारा पुराना वाला काम ही कराया, बस मैंने क्या करा, पी क्यू आर एस पर अलग अलग फोर्स दिखाई। यहाँ पे पी क्यू पहले की तरफ फोर्स लग रही है, आर एस पर पहले की तरफ फोर्स लग रही है, लेकिन पहले जो क्यू आर और पी एस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी, अब वहां पे फोर्स लगेगी, फोर्स अब यहाँ पे लगती है, लेकिन वो क्या कर देंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, और इसकी वजह से नो रोटेशन, इसकी वजह से कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो है आपका कॉइल यहाँ पे एक एक्सल से फिक्स है, जिसकी वजह से इसमें जो रोटेशनल मोशन हो सकती है कुछ वो इस तरह ही हो सकती है, इसकी रोटेशनल मोशन इस तरह हो सकती है, ये इस तरह से रोटेट नहीं कर सकता चाह के भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सल है ना, ये इसको इधर से इधर मोशन नहीं करने देगा, जिसकी वजह से जो रोटेशनल मोशन होती है हमारी किधर होती है? सिर्फ इस डायरेक्शन में ही होती है। क्लियर आपको? आपको इतनी बात ठीक है। तो फॉर्मूला निकल के हमारा हमारा टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। ठीक है, अब जो ये एम क्रॉस बी का फॉर्मूला है ये ठीक है बहुत, इसको हम कैसे देख सकते हैं? इसको ऐसे देख सकते हैं, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपकी कॉइल। अब इस कॉइल में क्या होगा? इस कॉइल की वजह से एम वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द कॉइल एम। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर क्या होगा? ये वाला सीधा डी। ठीक है, तो टॉर्क क्या बोलोगे आप? टॉर्क बोलोगे एम बी साइन थीटा, और जहां पे साइन थीटा कौन सा एंगल होता है? साइन थीटा एंगल होता है आपका एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, और दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये नहीं, इतना काफी है, आई थिंक इतना आपसे, इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, तो अभी यहां पे हमारा हुआ टॉर्क का फॉर्मूला तय हो चुका है। अब जो अगली बात है, अगली बात क्या है कि यहां पे जो टॉर्क है, अगर आपको देखा जाए टॉर्क, टॉर्क डिपेंड किस किस पे करती है? तो टॉर्क डिपेंड करती है हमारी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई ए बी एम क्या होता है? आई मल्टीप्लाई में एरिया, बी साइन थीटा। तो आप देखो करंट तो क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर आपने करंट एक बार दे दिया तो करंट तो उतना ही घूमेगा ना, तो ये कांस्टेंट, एक लेंथ कांस्टेंट होती है, ब्रेथ कांस्टेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेटिक कांस्टेंट होगी, बस तक क्या है? सिर्फ थीटा। तो जैसे थीटा हमारा चेंज होगा वैसे वैसे हमारा टॉर्क की वैल्यू चेंज होती जाए, क्योंकि जब रोटेट करेगा तो थीटा चेंज होगा, तो जब थीटा चेंज होगा क्या होगा? टॉर्क का मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा, वो कब होगा? 90 डिग्री पर, मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कौन सा थीटा? मैं फिर बोल रहा हूं, ये थीटा कौन सा एंगल है? थीटा है हमारा एम और बी के बीच का एंगल, याद रखना, लेंथ वाली बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूं थीटा कौन सा एंगल है? एम और बी के बीच का एंगल। तो 90 डिग्री कब होगा ये टॉर्क मैक्सिमम? कब? जब 90 डिग्री, तो और 90 डिग्री कब होता है? जब ये आपकी नॉर्थ, ये आपकी साउथ, ठीक है, और प्लेन आपका कॉयल का प्लेन क्या हो? इसी के प्लेन में हो, ये आपकी कॉयल है वो सेम प्लेन में हो मैग्नेट के। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, थीटा कितना बन रहा है? यहाँ पे बोलोगे भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बी,
और एम की डायरेक्शन क्या है, एम की डायरेक्शन हमारी परपेंडिकुलर, या तो ऊपर है या फिर वो नीचे, क्यों, क्योंकि ये आपका एरिया कॉइल, और एम क्या होता है, एम होता है कॉइल के परपेंडिकुलर, तो कॉइल के परपेंडिकुलर क्या ये, तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, एम वेक्टर ऊपर की तरफ, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, तो ये हुआ जब थीटा मैक्सिमम होगा। मिनिमम थीटा का, मिनिमम टॉर्क का होगा, मिनिमम टॉर्क जब थीटा क्या हो 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो। अभी 0 या 180 डिग्री कब होगा, अभी ये तब होगा जब सपोज करो कुछ ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड तो लेफ्ट से राइट जा रही है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लेफ्ट से राइट जा रही है, और जो हमारा प्लेन हो वो इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड का प्लेन परपेंडिकुलर होगा तो इस प्लेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा एम वो इधर आएगा प्लेन के परपेंडिकुलर, और एम और बी के बीच में कितना एंगल हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड। अगर प्लेन की व्याप पे बात करें या फिर हम एम की व्याप पे बात करें, एम पैरेलल टू फील्ड, थीटा 0 कब होता है, या तो एम 0 फील्ड का पैरेलल हो या फिर प्लेन फील्ड का परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो यहाँ पे दो केस आते हैं, एक होता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है हमारा जब थीटा क्या हो, हमारा 0 डिग्री हो, थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थीटा क्या हो 180 डिग्री हो। 0 डिग्री की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब आपने 0 डिग्री पे, जब आप इसको 0 डिग्री पे हल्का सा भी हिलाओगे, ये अगर आपको याद हो तो आप आपने पढ़ा होगा कब, जब आपने डायपोल वाला चैप्टर पढ़ा था कि डायपोलिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका हम वो निकालते हैं ना, क्या हम निकालते हैं उसका, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो उसी की तरह ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री पे क्या होता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, और 180 डिग्री पे क्या होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो 0 डिग्री पे यहाँ पे क्या होता है वो स्टेबल, यहां पर लिखता हूं मैं 0 डिग्री स्टेबल और 180 डिग्री अनस्टेबल, ठीक है जी, ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।